हेलो फ्रेंड्स, लव यू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फटे हुए दूध की एकदम टेस्टी मिठाई। तो कभी भी घर में अगर दूध फट जाए तो दूध को आप फेंकेगा नहीं, ये मिठाई आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो मेरे पास फटा हुआ दूध नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कभी दूध फट जाए तो आप ये मिठाई ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ फ़िलहाल और इसको मैं अभी फाड़ूंगी। तो चलिए इस दूध को गर्म कर लेंगे। जब दूध थोड़ा थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको हम नींबू का रस या फिर विनेगर डाल के फाड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छाछ का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसको छाछ से फाड़ा है। तो देखिए, छाछ को डालते ही ये थोड़ा थोड़ा फटने लगा है, तो ये जल्दी से फट जाएगा। देखिए, बस को 2 से 4 मिनट लगते हैं फटने में, तो ये अभी थोड़ी देर में फट जाएगा पूरा। तो देखिए, अभी ये पूरा फट रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और छाछ डाल रही हूँ, तो ये पूरी तरह से फट जाएगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, फट रहा है ये पूरा। तो मैं तो इसको ज़बरदस्ती ही फाड़ रही हूँ, लेकिन घर में कभी कभी दूध फट जाता है तो हम उसे या तो फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो दूध को फेंकेगा नहीं, ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, ये पूरा फट गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं हम नीचे और इसको छान लेंगे। तो चलिए, ये हो गया है तैयार। और अब एक कपड़ा लेंगे और उसमें हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़े में इसे अच्छे से छान लिया है। और अब इसको एक बार ठंडे पानी से धो लेंगे और अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने इसको ठंडे पानी से धो लिया है और प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। तो लीजिए, अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच घी और घी में इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपके पास फटा हुआ दूध हो उस हिसाब से आप चीनी डालेगा। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा केसरी फूड कलर। अगर आपके पास केसरी फूड कलर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। और अब डाल लेंगे इसमें 2 से 3 कूटी हुई इलायची। तो मैंने यहाँ पे 3 इलायची कूट के इसमें ऐड कर लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करछी को इस तरीके से इसमें चला लेंगे ताकि जो मोटी गुठली बनी हुई है ना, वो बारीक हो जाए। तो चलिए, अब इसमें डालूँगी मैं यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं बिना केवड़ा एसेंस के। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं केवड़ा एसेंस, बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है। तो चलिए, अब ये बन के रेडी हो गया है और इसको एक प्लेट में सेट करने के लिए रख लेते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। हमें इसे अच्छे से ब्रश कर लेना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए, ये सेट हो गया है। और अब ऊपर से डाल लूँगी मैं यहाँ पे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ। तो चलिए, अब इसको रख लेते हैं सेट करने के लिए फ्रिज में। तो 1 से 2 घंटे में ये आराम से सेट हो जाएगा। तो ये हो गया है सेट। और मैं यहाँ पे कुछ टूटी फ्रूटीज डाल रही हूँ ऊपर से, क्योंकि डेकोरेट के लिए अच्छा लगता है। तो इसको कट कर लेंगे और सर्व करने के लिए रेडी है ये।
तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको कर लिया है कट। तो आप अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं और इसको कर लेंगे हम सर्व। तो लीजिए, रेडी है एकदम टेस्टी मिठाई। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और किसी को भी यकीन नहीं आने वाला कि ये फटे हुए दूध की मिठाई है। सचमुच किसी को नहीं यकीन आने वाला। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।